Hi friends, welcome back to Pragmatic Lopa. ভাবুচন্তে কেমিতি নিজ কাউচ কু গোটে সুন্দর আউ এলিগেন্ট লুক দেবে কিংবা নিজ ঘর কু কেমিতি রিডেকোরেট করিবে যোটা সবু ওকেশন পাই সুট করিব আউ সবুটো সস্তা আউ সহজ বি হউ তাহলে আপন ঠিক জায়গায় আছেন আসন্তু দেখিবা আজির ডিআইওয়াই রে মু দেখিবি ফ্যাব্রিক কপড়া কু ইউজ করি কি কেমিতি বিনা কো স্টিচিং রে কুশন কিংবা পিলো বনাই হব আউ যো মানে স্টিচিং রে ইন্টারেস্টেড गोटे कुशन रे स्टिचिंग करके भी देखेबी जहाँ पाए खाली फैब्रिक आउ इंसर्ट पिलो किंबा पिलो फिलर्स हॉट ग्लू गन किंबा नीडल आउ थ्रेड दरकार आपण आगुको निजे ही देखि पारबे दुईटा ही मेथड रे बनेबा इजी बेसिकली मु दीटा वे देखेबी गोटे होची स्टैंडर्ड थ्रो पिलो आ गोटे होची एनवेलप किंबा पिलो शैम जहाँ पछरे गोटे ओपनिंग हबा जोगु कवर को बाहर करबा आउ लगेबा सहज हबो जोटा मु भी प्रिफर करे आउ अलगा वेरिएशन सहित आज मु टोटल 6 प्रकार रो कुशन्स देखेबी कुशन्स आउ पिलोस बहुत शेप्स एंड साइजेस रे आसे जोटा बाहर रो किनिले काफी एक्सपेंसिव ही पारे एमिति बनेले आपन को पसंद रो फैब्रिक उपरे डिपेंड करी एटा काफी सस्ता ही जिवो जोटा को भी कपड़ा दुकान रे मिल जिवो आउ सेल टाइम रे गले आहुरी भल डील मिल जिवो एबे चालन तो स्टार्ट करिवा कुशन्स बनेवा पई आपण आइदर पुरना क्वेश्चंस को गोटे बेटर लुक दे पारिबे नहले तांको फोम फिलर्स यूज करी पारिबे किंबा नुआ इंसर्ट पिलोस आ फोम फिलर्स किनी पारंती आ किछि बेसिक्स जेमिति मेजरिंग टेप हॉट ग्लू गन आ कोइची दरकार फर्स्ट पाई मु एई थ्रिफ्टे पिलो को कवर बाहर करी के यूज करीबी आ एई अमेजिंगली सॉफ्ट फैब्रिक किनीली पिलो को ऊपर मेजर करंतु जोटा ए केस रे 18 बाय 18 इंचेस एथिरे गोटे इंच ऐड करी माने 19 बाय 19 इंचेस फैब्रिक रे मार्क करंतु ए एक्स्ट्रा साइड रे ग्लू लगाया पय यूज हबो फर्स्ट फैब्रिक को स्मूथ करिबे एबे मार्किंग उपरे कोइंची रे काटी देबे एबे फैब्रिक रो दुईटा स्क्वायर पीसेस थिबो फ्रंट आउ बैक फैब्रिक रो ठीक साइड को आमना सामना रे एका संग रे रखी उल्टा पट को ऊपर आउ तळे रखिबे एबे भलसे तीन बॉर्डर्स रे ग्लू लगेबे आ गोटे साइड छाडी देबे पिलो इंसर्ट करिबा पई एबे कवर रो ठीक साइड बाहर को करंतु कॉर्नर्स को भी ठीक से बाहर करिबे निजो आंगुली यूज करी नहले किछि भी पॉइंटेड जिंस यूज करिकी एबे पिलो इंसर्ट करंतु फैब्रिक को ऑलमोस्ट हाफ इंच भीतर आड़ को फोल्ड करी फोर्थ साइड को भी हॉट ग्लू गन यूज करी सील करी देबे आपन को पिलो रेडी सेकंड पाई मु ए एकदम सस्ता थ्रिफ्टेड कुशन्स ए ग्रीन कॉटन फैब्रिक आउ गोटे डिफरेंट लुक दबा पाई ए वाइट ट्रांजी फैब्रिक किनली एटा कॉटन हवा जो गु स्टार्ट करबा पूर्वरु निश्चय आयरन करिवे जेमिति काम करूथुवा पोर्शन रे किछि क्रीज नथिबो ए कुशन रो साइज 15 बाय 15 इंचेस एबे पूर्वरु देखैथिबा एंटायर प्रोसेस रिपीट करिवे एठी देखि पारिबे मु कॉर्नर्स बाहर करिबा पई ए बैम्बू स्क्वायर यूज करिली गोटे नीट आ भलो कॉर्नर हबा पई निजो कुशन रेडी हेला परे एबे याकु स्ट्रेट अवे एमिति ही यूज करि पारिबे हेले मु गोटे वेरिएशन पई आ गोटे लेयर ऐड करिली ए फैब्रिक रो गोटे एंड रे फ्रिल्स अछि जोटा मु ऐड करबा को चाहूची ताकु इंक्लूड करबा पई विड्थ द सेम ही पिलो साइज प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा अठा लगेबा पई दैट इज 16 इंचेस हेले लेंथ टा फ्रिल्स जांके एक्सटेंड करिली हॉट ग्लू गन रे तीनी साइड्स क्लोज हेला परे कुशन को इंसर्ट करी क्रिएटिव हे कि अलगा-अलगा पैटर्न ट्राई करंतु ए सिंपल रेक्टेंगुलर कुशन्स जोटा मु ग्रीन भलिया ही बनै छी खाली एया डिफरेंस की एठे किछि वेरिएशन ऐड करिनी आपन को दरकार खाली इंसर्ट पिलो आ निजो चॉइस रो फैब्रिक जेहेतु बेसिक थ्रो पिलो बनेबा देखिलेनी आसन तो पिलो शैम माने एनवेलप पिलो कवर बनेबा जोटा बेसिक भलिया ही इजी इनफैक्ट मोर एटा प्रिफर्ड ऑप्शन कारण जेबे भी बोर हे जेबे आराम से चेंज करी परिबे बाहर करी के वॉशिंग मशीन रे धोई परिबे कन्वीनिएंटली लगे या बाहर करी परिबे या पई ए अल्ट्रा बेबी सॉफ्ट मटेरियल किनिली
पिलोर फ्रंट पीस बेसिक भलिया ही सेम माने पिलोर साइज रे गोटे इंच ऐड करिवे जोटा ए केस रे 19+1 माने 20x20 inches। हेले पिलोर बैक पीस पाई आमे फैब्रिक रो दुईटा पीस यूज करिबा कारण ए दुईटा टिके ओवरलैप करिवे। चालन तो गोटे सिंपल कैलकुलेशन करिबा थरे ओरिजिनल पिलो लेंथ को दुई पार्ट रे डिवाइड करी ईच पीस रो लेंथ रे 2 इंच ऐड करिवे गोटे इंच ग्लूइंग पाई आ गोटे इंच ओवरलैपिंग पाई सो टोटल लेंथ 4 इंच बढ़िबो। एबे एई दुईटा फैब्रिक पीसेस रो करेक्ट साइड तळुआ रखी लक्ष्य देबे मेजरमेंट ऊपर आउ तळु सेम थिबो। आउ एबे एमितिया लंबा पिन्स यूज करी एई पीसेस को पिन करी देबे आउ जेमिति पिनिंग पूर्वरु बॉर्डर्स लाइन रे थिबो। एबे सबु बॉर्डर्स को हॉट ग्लू रे चिपकेई देबे सबु पिन्स भी बाहर करी देबे। करेक्ट साइड बाहर को करिबा पूर्वरु कॉर्नर्स कैंची रे डायगोनली काटी देबे जेमिति कॉर्नर्स बल्कि न होई कि भलो आउ नीट रहिबो। ए स्टेप सबु टाइप रो कुशन्स रे करिबे। एबे करेक्ट साइड बाहर करी कॉर्नर्स को भी आगो भलिया बाहर करिबे। पिलोस इंसर्ट करिला परे आपन को एनवेलप पिलो यूज करिबा पई रेडी। ए अमेजिंग फर पिलो जोटा बहुत सारा कलर्स रे आसे हेले मु व्हाइट कलर चूज करिली बाकी पिलो सहित मैच करिबा पई। आउ ए थ्रिफ्टेड पिलो भी आनिली जोटा 19x19 inches। आइदर डायरेक्टली ए पिलो इंसर्ट करि परिबे बनोथिबा कवर रे नहले ए पिलो भितर रो पिलो फिलर्स यूज करि परिबे। नुआ पिलो फिलर्स लूज ही कि थाए हेले पुरणा रे टाइटली पैक्ड अछि सेति पई यूज करिबा पूर्वर एमिति लूज करिबे। एठी देखि परिबे सेल्समैन पूरा भितर को काटि देबा जको ए फर छोटो हे जाई छि। फर हैंडल करिबा पई किछि ट्रिक्स निश्चय फॉलो करिबे नहले फैब्रिक रे बॉल स्पॉट्स हेबो। एई एज को काटिले आपण देखिबे फर को केमिति काटंती स्ट्रेट अवे सबु एका सांगे रे फर को भी इंक्लूड करिके न काटी खाली पछर एई थिक पार्ट काटिबे। एमिति सबु फर छोटो न हे इंटैक्ट रहिबो। इन केस इंसर्ट पिलो यूज करुचंती पिलो रो साइज रे आधा इंच ऐड करी फैब्रिक रे मेजर करंतु पेंसिल रे मार्क करी से मार्किंग रे कैंची रे काटी दियंतु। बे आपन को पाखे दुईटा स्क्वायर पीसेस थिबो ए सेम पिलो रे मु दुईटा मेथड रे देखेबी केमिति खाली हॉट ग्लू गन यूज करी आ केमिति छुंची सूता रे हैंड स्टिच करी के फर्स्ट सबु फर भीतर को करी बॉर्डर्स को अलाइन करंतु जेमिति दुईटा साइड रो फर आमना सामने रहिबो। पिन करी देबे जेमिति काम करिबा पई सहज हबो। फर्स्ट हॉट ग्लू गन यूज करके देखेबी गोटे पिन बाहर करी अबिका भी जेमिति फर भीतर ही थाउ डायरेक्टली बॉर्डर रे ग्लू लगेबे बिना साइड रे को गैप छाड़ी सेथि पई पूर्व पिलोज अपेक्षा जोथरे आमे गोटे इंच एक्स्ट्रा मेजर करथिले एथिरे मात्र आधा इंच ऐड करिली एका सांगरे ग्लू करी देबे। एमिति चारि साइड रे ग्लू करिबे खाली गोटे साइड रे 6-8 inches रो गैप छाड़ी जदि पिलो फिलर्स यूज करुछंती आउ जदि इंसर्ट पिलो यूज करुछंती तीनटा साइड ग्लू करिबे खाली गोटे साइड छाड़ी पिलो इंसर्ट करिबा पई। ग्लू करिला परे करेक्ट साइड बाहर करी पिलो को इंसर्ट करिबे आउ सेम वे रे हॉट ग्लू गन यूज करी सील करी देबे नहले छुंची सूता यूज करिबे जोटा स्टडी आउ इजी भी आगो भलिया सबु फर को भीतर को करी पिन करी देबे। फर्स्ट सिंपली फैब्रिक रे नीडल पुश करिबे आउ पूरी थोरे फैब्रिक रे नीडल पुश करी कि सही सूतारु हेथिबा गैप रे पास करिबे आउ सेम स्टिच रिपीट करिबे जहा को बटन होल स्टिच कोहंती। सबु चारि साइड स्टिच करिबे गोटे साइड रे 6-8 inches रो गैप छाड़ी कि इन केस पिलो फिलर्स यूज करंती याकु फैब्रिक रो दुई बॉर्डर्स भोली कंसीडर करिबे। बेटर अंडरस्टैंडिंग पाई मु फैब्रिक रो सेम स्टिच ए ब्लैक पेपर रे बेटर कंट्रास्ट पाई देखौची। होप ए थ्रु बेसिक क्लियर हे जिवो। एंड रे गोटे एंडिंग नॉट बनेबे जोटा सबु अलगा-अलगा वे रे करंती। मु सूता को 3-4 थर नीडल रो टिप रे रैप करी ऊपर को पुल करे
ପୁଣି ଥରେ ନିଡ଼ଲକୁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରେ ପୁଷ୍ କରି ସେଇ ସୂତାର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପାସ୍ କରେଇକି କଇଁଚିରେ କାଟିଦିଏ। କରେକ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଫ୍ଲିପ୍ କରିବେ ଆଉ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣର୍ସକୁ ବି ବାହାର କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ରୁ ପିଲୋ ଫିଲର୍ସରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ କର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଯେମିତି ଭଲକି ଫିଲ୍ ହେବ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲର୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଏଇ ଓପନିଂକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫର୍କୁ ବାହାରକୁ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ନିଡ଼ଲକୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପୁଷ୍ କରି ଅଲଗା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଯାଙ୍କେ ନେଇ ବାହାରକୁ ଭିତରକୁ ପୁଷ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଏଣ୍ଡ ଯାଙ୍କେ ରିପିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ପୁରା ପ୍ରସେସରେ ଫର୍କୁ ଡିଟାଙ୍ଗଲ୍ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିବା ଏଣ୍ଡିଂ ନଟ୍ରେ ସିକ୍ୟୋର୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ବେବି ସଫ୍ଟ ଫର୍ ପିଲୋ ରେଡ଼ି। ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର 15x12 ଇଞ୍ଚେସ୍ର ଥ୍ରିଫ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲୋ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍କାର୍ଫ ଯେଉଁଟା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନାଇଥିଲି। ଆପଣ ଘରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଟି ସର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କେମିତି ବନେଇଥିଲି। ହେଲେ ଅବିକା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍କାର୍ଫରେ ପିଲୋକୁ ରାପ୍ କରିବି, ଏମିତି ରାପ୍ କରିବି କି ଷ୍ଟିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ଆଉ ଉପରୁ ଆଉ ତଳୁ ସ୍କାର୍ଫର ଲେନ୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିବ। ମୁଁ ହଟ୍ ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍କାର୍ଫକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବି। ଏବେ ତା ଚଉଡ଼ାରେ ଏମିତିଆ ଉପରୁ ଆଉ ତଳକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଲେନ୍ଥରେ ବି ଏମିତିଆ ରନିଂ ଷ୍ଟିଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଡରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିବା ଏଣ୍ଡିଂ ନଟ୍ରେ ସିକ୍ୟୋର୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପସନ୍ଦର କୁଶନ୍ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେୟା ୟୁଜ୍ କରିକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ୟା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ବନେଇଲେ ମନେ କରିକି ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେବେ ଆଉ ନିଜ ଭିୟୁଜ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଅବିକା ଯାଙ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଏମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସି ୟୁ ଅଗେନ୍।